बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स और बॉलीवुड के स्पेशल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल अबाउट बॉलीवुड को और दबाइए उसके पास भले घंटे को वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। जिंदगी में तीन चीजों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, बस, ट्रेन और छोकरी। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमित और स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल अबाउट बॉलीवुड में, जहां पे मैं आज आपके लिए लेके आया हूं बॉलीवुड न्यूज का एक और नया एपिसोड और आपको देने वाला हूं आज के बॉलीवुड के टॉप और ट्रेंडिंग न्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो न्यूज अपडेट आता है वो है दीपिका पादुकोण को लेके। हाल ही में सोशल मीडिया में एक इमेज लीक हुआ है, एक पिक्चर लीक हुआ है दीपिका पादुकोण का, जहाँ पे वो दिख रही है पुलिस ऑफिसर के रोल में और लगता यही है कि एक मूवी जल्दी ही रिलीज होने वाली है जहाँ पे दीपिका पादुकोण प्ले करने वाली है एक रफ एंड टफ पुलिस ऑफिसर का रोल। और इसके साथ रणवीर सिंह की भी एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है सिम्बा, जो कि रोहित शेट्टी की मूवी है, उसमें भी रणवीर सिंह एक रफ एंड टफ पुलिस ऑफिसर का रोल निभाने वाले हैं। अगला जो न्यूज़ अपडेट आता है वो है मूवी धड़क को लेकर। मूवी धड़क में एक माँ का रोल निभाने वाली थी श्रीदेवी, एक कैमियो रोल था, लेकिन ऐसा अभी नहीं होगा, ये एक रूमर न्यूज़ था और रूमर ही रह गया। इस मूवी में जो माँ का रोल है वो निभाने वाली है टीवी एक्ट्रेस शालिनी कपूर और देखते हैं मूवी कैसी होती है। ये धड़क जो मूवी है वो इंस्पायर्ड है साइडर्स से, जो कि एक मराठी हिट मूवी है। अगला जो न्यूज़ अपडेट आता है वो है मूवी पद्मावत को लेकर। पद्मावत मूवी रिलीज़ होने वाली है 25 जनवरी को और इस मूवी को ऑलरेडी बहुत सारे जगहों से बहुत सारे प्रॉब्लम जो है फेस करने वाली है और इसके बाद CVFC ने फाइनली क्लियर कर दिया है मूवी पद्मावत को, लेकिन इसके बाद हिमाचल प्रदेश में ये मूवी बैन कर दी गई है, राजस्थान में ये मूवी बैन कर दी गई है और अभी न्यूज़ ये आ रहा है कि CVFC के अप्रूव करने के बाद गुजरात ने भी इस मूवी को बैन कर दिया है, यानी कि इन तीनों स्टेट जैसे कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन तीनों स्टेट्स में पद्मावत रिलीज़ नहीं होगी। और देखते हैं ये मूवी कैसी काम करती है, क्योंकि इस मूवी के साथ एक और मूवी रिलीज़ होने वाली है जो होगी पैडमैन, और इसके साथ एक जो है एक डर भी काम कर रहा है क्योंकि इस मूवी को लेकर बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हुए हैं, तो देखते हैं पब्लिक क्या करती है। शायद इसी वजह से पैडमैन को ज़्यादा स्क्रीनिंग्स जो है वो मिलेंगे, पद्मावत को कम स्क्रीनिंग्स मिलेंगे। अगला जो न्यूज़ अपडेट आता है उसमें दो न्यूज़ है और दोनों न्यूज़ जॉन अब्राहम की मूवी परमाणु को लेके है। पहला न्यूज़ ये है परमाणु रिलीज़ होगी February 23rd को। पहले रूमर्स ये था कि ये मूवी पोस्टपोन कर दी गई है और ये मूवी बाद में रिलीज़ होगी, लेकिन ये मूवी अभी फिक्स रिलीज़ होगी February 23rd को। और दूसरा न्यूज़ ये है, ये एक रूमर्ड न्यूज़ है, परमाणु जो मूवी है एक बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है और ये मूवी पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिखाई जाएगी और उनके जो राय है, उनके जो विचार है वो लिए जाएंगे उस मूवी के ऊपर। उनके प्रोड्यूसर ऐसा चाहते हैं और शायद ये दिखाना एक अच्छी बात होगी और इसीलिए ये किया जा रहा है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो देखते हैं नरेंद्र मोदी जी ये मूवी देखते हैं कि नहीं और उनके ऊपर, इस मूवी के ऊपर उनका क्या विचार होता है। अगला जो न्यूज़ अपडेट आता है वो है आमिर खान को लेके, और आमिर खान को लेके भी दो न्यूज़ है। पहला न्यूज़ ये है कि आमिर खान थग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। ये ड्रीम प्रोजेक्ट का जो सब्जेक्ट है वो है महाभारत और इस महाभारत को लेके वो 5 मूवी बनाएंगे और 5 मूवी को वो रिलीज़ करेंगे अगले 10 साल तक। और दूसरा न्यूज़ ये है कि शायद ऐसा रूमर आ रहा है कि 10 साल तक कोई और दूसरी मूवी में काम नहीं करेंगे। तो आप इमेजिन कीजिए एक डेकेड जिस डेकेड में आप एक भी आमिर खान की मूवी नहीं देख पाएंगे। हालांकि जो महाभारत की जो मूवी है वो रिलीज़ होगी, लेकिन देखते हैं क्या होता है आखिर तक, क्या आमिर खान 10 साल तक छुट्टी लेते हैं फिल्म से और क्या उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट जो महाभारत है वो स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स, यही थे आज के सारे न्यूज़ और अपडेट्स। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, न्यूज़ और अपडेट जो है वो भी पसंद आए होंगे। और आज न्यूज़ बहुत ही कम था, तो आज जितने भी न्यूज़ था वो मैंने आपको बोल दिया है इस वीडियो में। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनको भी पसंद है बॉलीवुड की न्यूज़ से अपडेटेड रहना, और सब्सक्राइब कर लीजिए अभी हमारे चैनल ऑल अबाउट बॉलीवुड को, क्योंकि मैं मंडे टू फ्राइडे लेके आता हूँ ऑल अबाउट बॉलीवुड में बॉलीवुड के टॉप और ट्रेंडिंग न्यूज़, और सैटरडे संडे होता है बॉलीवुड का कुछ स्पेशल खास वीडियो। इन वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल अबाउट बॉलीवुड को और दबाइए उसके पास वाले घंटे को, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ तब आपका नोटिफिकेशन जो है, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और अगर कुछ भी फीडबैक, सजेशंस कुछ भी हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलूंगा आपसे ऑल अबाउट बॉलीवुड के अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।